हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिलीवरी जेड ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं एंड बात करेंगे हमारे इस गेम के साइज़ की। तो हमारा जो डिलीवरी जेड गेम है ये आपको 220 MB का देखने को मिलता है प्ले स्टोर पर। एडिशनली इस गेम के अंदर में कुछ भी नहीं लगता है। एंड हाँ, काफ़ी टाइम बाद में एक कोई जोम्बी सर्वाइवल गेम आया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब अच्छा बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मगर हाँ ये है कि दूसरे गेम्स के मुकाबले अब थोड़ा एक नया लगा है। कॉन्सेप्ट तो बहुत नया नहीं है मगर गेम प्ले अच्छा है। एक चीज़ है कि ये गेम में आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वहीं अगर मैं इस गेम को एक बार ना इंटरनेट ऑन करता हूँ और बाहर निकल के फिर से ओपन करता हूँ ना, तो अभी आप देखेंगे कि वो जो डिलीवरी सेट हमारा लिखा हुआ था बहुत देर से, वो उस वक्त हमारा बहुत देर से लिखा हुआ था, बट यहाँ आप देख सकते हैं कि वो अभी बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ हमारा नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आ गया एंड इस तरीके से हम मेन्यू में भी आ चुके हैं बगैर इंटरनेट के साथ में आए हैं। इसका मतलब ये एक ऑनलाइन गेम है, ऑफलाइन गेम नहीं है। बाकी हाँ, हम गेम तो ज़रूर खेलने वाले हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स क्वालिटी लो, मीडियम और हाई है। 60 FPS तक गेम जाता है। बैक होते हैं यहाँ पर। अब कुछ इस तरीके से गेम है हमारा। यहाँ पर कार आपको देखने को मिलेगी, कार जो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी यहाँ मैप आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी ठीक है। अब हम यहाँ पर डिप्लॉय करने वाले हैं। अब यहाँ ऐसा रहता है ना कि हमको डिलीवरी करनी रहती है एक तरीके से, मगर यहाँ बीच में घरों पे बहुत सारे ज़ोंबीज़ रहते हैं तो इन ज़ोंबीज़ से आपको बचना रहता है। एंड आप देख सकते हैं कि मारने में तो बहुत ही मज़ा आता है। और मेरे को क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ना एक पहली चीज़ तो ये कि इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी मतलब आजकल के गेम के हिसाब से बहुत सही लगी मुझे। सेकेंड चीज़ की ये मारने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मज़ा आता है। या आपने शायद कौन सा एक गेम है ना, अर्न टू डाई रो या फिर अर्न टू डाई टू ऐसा करके गेम है एक, वो प्लेटफॉर्मर में आपको देखने को मिलता है, बट ये गेम आपको कंप्लीट 3D लुक देता है। एंड यहाँ कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे आना पड़ेगा। ऐसी अलग अलग पॉइंट रहेंगे, एक एक लेवल में 3-4 पॉइंट रहते हैं। उन सब पॉइंट्स पे जाके थोड़ी सी देर तक, वही 5 सेकेंड तक खड़ा रहना पड़ता है जब तक कि वो ना हो जाए। और यहाँ आपकी गन को जो आप मतलब आपकी जो गाड़ी है उसको कस्टमाइज़ कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। अब ये एरो आप देख सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे है। थोड़ा आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स क्वालिटी हेवी होने की वजह से मुझे ना वो करना पड़ जा रहा है, मतलब थोड़ा आपको लेगी फील होगा, मगर वो मोशन ब्लर की वजह से भी हो सकता है। एंड ऐसे जो है वो तो है ही सही। बाकी अभी हम इनको पूरे को फट से उड़ा देंगे, मज़ा ही आ जाता है यार उड़ाने में। तो ये तो अलग ही फील आ रही है। चलो मैंने तो धजिया उड़ा दी इन लोगों की, बाकी पीछे होता हूँ मैं। एंड थोड़ा इनको मारूँ नहीं तो कि वो दिक्कत देते हैं। एंड इनकी तो सबकी 12 बजा देंगे। मज़ा आता है यार, मतलब मेरे को तो ना, मैं सही में मैंने इस गेम में अपने मोबाइल की स्क्रीन की 12 बजा दी। मैंने अभी खेला है, इसके पहले भी एक दो लेवल खेले थे, मतलब मज़ा आता है। ऐसा लगता है ना कि उड़ा ही दूँ पूरे के सारे को उड़ा दूँ और डिलीवरी जाए भाड़ में। और मतलब दबाओ ऐसे, नाइट्रो पे दबाओ ना तो और भी मज़ा आता है। ये कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी पलटन को ही उड़ा देंगे हम। इसको क्यों छोड़ेंगे, इसको भी उड़ा दिया और ये मज़ा आ गया एकदम। नाइट कर दिया हमने डे को। अब दो तो हमने कर दिए हैं यहाँ पर। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे एंड एक और देखेंगे। बस गेम ऑनलाइन है यार, वही चीज़ है। ऐसा कुछ था नहीं गेम में कि ऑनलाइन हो, पर क्या कर सकते हैं, एक जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे तो अब हम धज्जिया उड़ाते हुए चलेंगे। मेरी गाड़ी को कोई डैमेज तो देके बताता हूँ फिर उसको। एंड यहाँ जो गाड़ी रोटेट होती है, क्या माशाल्लाह रोटेट होती है। वे होते हैं, इधर चलते हैं। थोड़ा आप देख सकते हैं मोशन ब्लर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो वो थोड़ा लेगी लेगी टाइप का लगता है, मगर वो लेग नहीं कह सकते हम उसको। बट हाँ ये है कि ग्राफिक्स क्वालिटी ज़्यादा ही हाइपर है ना मेरी, तो गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी है भी बहुत हाइपर, तो उसकी वजह से ना थोड़ा आपका डिवाइस हीट तो होता है। मतलब जो डिवाइस रहेगा ना उसमें आपको हीटिंग इश्यूज़ ज़रूर देखने को मिलेंगे अगर आप इस गेम को खेलने वाले हैं तो। एंड यार स्पीड में अगर नहीं चलाएंगे ना तो बहुत ही ये ज़ोंबीज़ 12 बजा देते हैं अपनी गाड़ी की। बाकी चलो इस पे से हम जंप करते हैं। और ये बहुत ही गंदा फंस गए भाई साहब, हटो हटो। और डैमेज तो बहुत ही ख़तरनाक है यार, मतलब डिस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास में अच्छा डिवाइस नहीं होगा ना तो वाट लग जाएगी, इतना डिस्ट्रक्शन होगा गेम में। तो
बाकी चलो इधर होते हैं थोड़ा, एंड हमारा देखे तो सही जाना कहाँ पर है। तो ये एक जंप मारेंगे एंड सीधे अब हम डिलीवरी पॉइंट पे ही उतरेंगे, एंड ये रहा हमारा डिलीवरी पॉइंट, यहीं पे थोड़ी सी देर रुकते हैं। बाकी हाँ, आपने इस वीडियो पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।